स्क्रीन में एक इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है, दिख रही है एक इक्वेशन लिखी हुई? हाँ सर। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी वेलोसिटी का फंक्शन है बेसिकली। आवाज कट रही है? आवाज कट रही है? स्टार्ट होते ही ये हो गया। अरे अब तो गाना गाना पड़ेगा। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। तो टाइम तो मिल जाता हम लोग ये लिखने के लिए तब। मुझे लगता है तुमने जानबूझ के किया है। नहीं नहीं एक्चुअली हुआ था सर, एक्चुअली नहीं सर, सच में तुम्हें तो डाउट होता है मेरा ही नेट चला गया है, पर देखता हूं दूसरों का भी देखता हूं। अभी वीडियो ऑफ करने वाला था एक सेकंड के लिए। नहीं तुम्हारा तो, तुम्हारा प्रांजल का तो सच में सब हर समय होता है, तो इसलिए बाकी लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रांजल का तो हमेशा का प्रॉब्लम है। बट एनीवेज हमेशा का होता है, कोई थोड़ी। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, जो इक्वेशन लिखी हुई है लंबी चौड़ी सी, अच्छी चीज ये है कि आपको ये रिजल्ट याद नहीं रखनी है, अच्छी चीज ये है। बट इस फंक्शन का मतलब क्या है ये आपको जानना है, मतलब व्हाट इज मेंट बाय दिस फंक्शन एंड इस फंक्शन के हेल्प से आप क्या चीजें कैलकुलेट करते हो ये आपको जानना है। इस फंक्शन का नाम है मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली वेलोसिटी की वैल्यू आपको दिख रही होगी, राइट? ये वेलोसिटी चेंज करेंगे तो फंक्शन आपकी चेंज कर दी जाएगी, और ये टेम्परेचर का भी फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी ये फंक्शन की वैल्यू चेंज करेगी। बट ये फंक्शन इंडिकेट क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इमेजिन करो कि अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ और उस कंटेनर में बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल, 10 मोल, 50 मोल, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने ले रखे हैं, उसमें अगर हम हर एक मॉलिक्यूल की बात करो तो हर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट है। कोई 10^5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा, कोई 10^4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा, कोई 5.5 × 10^5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। तो हर एक मॉलिक्यूल की क्या होगी स्पीड आपकी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। आपको ऐसी स्पीड भी मिल सकते हैं जिसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 10^4 मीटर पर सेकंड का एक वेलोसिटी मैंने लिया और मैंने बोला उसमें कितने मॉलिक्यूल है, तो उसमें मे बी आपको 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आवाज आ रही है, कैसा अर्जुन आया था, मैं बोला था मेरा जगह से नहीं है। ठीक है ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे अगर मान लो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीड की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट काउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उस पर्टिकुलर स्पीड पे, जिस भी स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि v एक पर्टिकुलर स्पीड में बात करो, v इज वन पर्टिकुलर स्पीड, दिस माइट बी एनी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड का हो सकता है। तो 0 से लेकर 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड के बीच में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वेलोसिटी के, वो सारे वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बीच में कोई भी एक वेलोसिटी को मैं ले रहा हूँ, लेट्स से दिस वेलोसिटी इज v। अब मैंने v से लेके v प्लस dv का एक रेंज लिया वेलोसिटी का। जैसे इमेजिन करो कि मैंने बोला कि 200 मीटर पर सेकंड से लेके 200.001 मीटर पर सेकंड, तो इसके बीच में एक रेंज ऑफ वेलोसिटी है, राइट? 200 से लेके 200.001 ये एक रेंज ऑफ वेलोसिटी आ रही है, राइट? तो इस रेंज ऑफ वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये आप एक सपोजली एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो, लेट दैट नंबर बी dn। dn be the number of molecules whose speed lies between the range v to v plus dv, okay? Now, if you divide dn by the total number of molecules, what do you get? Molecular fraction. And what is this molecular fraction giving you? dn by n, what is this molecular fraction giving you? dn kya indicate kar raha tha? The number of molecules whose speed lie in the range v to v plus dv. So dn by v will give you the total number of molecules, a fraction of the total number of molecules whose speed will lie in the range v to v plus dv, right? Samajh aaya aapko? And ye jo fraction aapne calculate kiya na, ye jo fraction dn by n calculate kiya hai, ye basically is Maxwell's speed distribution function se hum calculate karte hain, theek hai? ये फ्रैक्शन ही बेसिकली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अगर मैं ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको दिखा रहा हूं जो स्क्रीन पे, ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के हेल्प से आप बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड लाई इन द रेंज वी टू वी प्लस डीवी, ये बेसिकली इंडिकेट करता है। क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने? Yes, sir. ठीक है, सो अब मैं इसको एक बार लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा और ज्यादा कुछ क्लियर भी होगा और इसके हेल्प से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं वो सारी चीज आपको सिखाऊंगा। आपको ये बता दूं कि ये फंक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं इतना लंबा एक्सप्रेशन के लिए।
So what I'm writing is, let dn be, dn likh rahe hain, theek hai, dn be the the number of molecules, whose speed lie in the range v to v plus dv, and n is the total number of molecules, in the container, So therefore, dn by n gives us the fraction of the total number of molecules, whose speed lies in the range v to v plus dv. It is found that dn by n is basically fv dv. ठीक है, एंड ये fv आपका मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. दिस fv इज मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का काम क्या है. इट गिव्स अस द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड लाई इन द रेंज वी टू वी प्लस डीवी. इसमें फंक्शन की जस्ट वैल्यू को आप जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, फंक्शन की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करो, आपको वैल्यू क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा. आप वेलोसिटी को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वेलोसिटी जीरो अगर हो गया तो फंक्शन जीरो नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया. यस सर. इसका मतलब ये कह रहा है, इट्स सेइंग कि अगर आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड इज जीरो ये कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा. मतलब ऐसा आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि उस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं सब क्या है, रैंडम मोशन में. तो इसलिए एक भी मॉलिक्यूल आप ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते जो क्या होगा, रेस्ट पे होगा. समझ आ रही है? एंड दैट्स व्हाई दैट फ्रैक्शन इज कमिंग आउट टू बी जीरो. अगर इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप बहुत ही ज्यादा लार्ज चूज करते हो, बहुत ही ज्यादा लार्ज, तो उस केस में ये न्यूमरेटर देखो वी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर देखो ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर का फॉर्म है. ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एम वी स्क्वायर बाई टू के टी होगा, होगा ना, राइट? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ वी स्क्वायर आ रहा है, तो ये काफी बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा कंपेयर टू वी स्क्वायर. जब आप वेलोसिटी की वैल्यू देखो, न्यूमरेटर भी बढ़ा रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ा रहा है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी? हां सर. हां 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 सर. न्यूमरेटर भी बढ़ा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ा है, अगर वी स्क्वायर को आप बढ़ाते हो तो. बट जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है वो न्यूमरेटर से बहुत ज्यादा बढ़ाएगा. डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन न्यूमरेटर से काफी बढ़ाएगा क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है. तो इससे ये वैल्यू कितने को टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा ना ओवरऑल. हां सर. हां सर. इसका मतलब अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, सपोजली वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करें, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है. और इनफाइनाइटली लार्ज वेलोसिटी भी लेते हैं तो भी उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी. ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो उसमें आपको कितने मिलेंगे, जीरो मिलेंगे. समझ आ रही है? कोई भी मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से नहीं मूव कर पाएगा. आई अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, जीरो को अटेन कर रहा है. तो ये फंक्शन का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा दिखेगा? ऑरिजिन पे जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, तो बीच में क्या होगा, राइज करके एक पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, एंड देन फिर क्या होगा, वापस से जीरो डिक्रीज करके जीरो हो जाएगा एसिम्प्टोटिकली. समझ आई आपको? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है तुमको, इतना लंबा चौड़ा सा ये जो एक्सप्रेशन है, तुमको स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन दिख रहा है? तो क्या मुझे टेस्ट कर रहे हो कि सर को आता है, सर को आता है कि नहीं? हाँ हाँ, कि चलो एक बार बोल देख लेते सर, सर को पता है कि नहीं? हाँ, तुम ही मैथ्स पढ़ते हो, मैं मैथ्स नहीं पढ़ता क्या?
हाँ क्या लड़का है रे बाबा। अच्छा स्क्रीन फ्रीज करके एक मिनट रुकिए, प्रांजल डांट खाए स्क्रीन फ्रीज करके। ओके सो अभी आपको इस फंक्शन को मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, सो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस फंक्शन। यहाँ पे हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं एंड एक्स एक्सिस में हम ये वेलोसिटी को प्लॉट कर रहे हैं। एंड जैसा मैंने आपको समझाया कि इनिशियली जीरो से स्टार्ट करेगा, बीच में कहीं पे जाके ये मैक्सिमा अटेन करेगा एंड देन फाइनली ये एसिम्प्टोटिकली जीरो हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, यस सर। Now, let us try to find out what is the significance of this Maxwell's speed distribution function के अंदर का area. अगर ये area calculate करेंगे, इसके नीचे का जो area आपको दिख रहा है, अगर supposedly आपको कोई पूछे कि इस area का significance क्या है, जैसे supposedly ये अगर मैं temperature बढ़ाता हूँ तो ये area बढ़ेगी या घटेगी? Area हम कैसे calculate करते हैं? Mathematically कैसे calculate करते हैं? Integration, right? अब ये सोचो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या आएगा, सोचो। क्योंकि अब आपको सिग्निफिकेंस पता है, सिग्निफिकेंस पता है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। जिनको थोड़ा भी मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आता है तो आराम से कर सकते हैं। dn by n is fvdv, तो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ fvdv करते हो तो आप इंटीग्रेशन ऑफ dn by n कर रहे हैं, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ dn by n, dn by n इज अ फ्रैक्शन, राइट? फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड लाइज इन द रेंज v टू v प्लस dv, और ऐसे सारे स्पीड का आप फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो सारे फ्रैक्शन को जब आप ऐड कर दोगे तो अब क्या आएगा, सारे फ्रैक्शन का सम वन आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? अगर मैं सारे फ्रैक्शन को अगर ऐड कर दूंगा तो फिर वन आएगा ही ना, ऑब्वियस है ना? हाँ सर। ठीक है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आ रहा है? Is it coming from dependent on temperature? No, it's not. No, sir, it's independent. It's independent of temperature. इसका मतलब Maxwell speed distribution function के नीचे का जो area आएगा, that will be independent of temperature. देखने में देखो ये graph का area जो ये मतलब ये जो area है मतलब ये जो function है मतलब जो function का graph है, ये बहुत ही मिलता जुलता है किससे आपका? अभी आपने last chapter में इस तरह का एक graph पढ़ा था, आपको याद है? So, I think it's like somewhat similar to the Maxwell speed distribution. Maxwell कह रहा हूँ. उसमें आपने देखा था कि जो इसके अंदर का जो एरिया था वो टोटल एमिसिव पावर देता था, रिमेम्बर? हमने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पहले पढ़ा था एंड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में पढ़ने के बाद फिर हमने देखा था कि उसके एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट किया तो वो हमें लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा का एमिसिव पावर दे रहा था एंड फिर टोटल इंटीग्रेट किया तो फिर हमें टोटल एमिसिव पावर मिल गया एंड दैट एरिया वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर फोर। मतलब वहां पे टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो एरिया आपका इंक्रीज कर जाएगा, बट यहाँ पे आपके टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि एरिया अंडर द ग्राफ हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया अंडर मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ वी डी वी जीरो से लेके इंफिनिटी तक एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाई एन एंड ये जीरो से लेके एन तक। एन इज अ कॉन्स्टेंट नंबर तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं वन बाई एन, क्योंकि एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एन जीरो से लेके एन तक करना है तो ये एन बाई एन ही आ गया। अगर आपको वो फ्रैक्शन नहीं समझ आया था तो भी ये देख लो एन बाई एन एग्जैक्टली क्या आ गया, वन आ गया, समझ आइए। एंड एरिया अगर वन आई है इसका मतलब क्या है, एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। सो ये जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं दिस एरिया इज ए, सो देयरफॉर एरिया ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों इंडिपेंडेंट है, इसका assertion reasoning में questions पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछे कि क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो ये actually आपको क्या दे रहा है, it is giving an estimate of the total number of molecules indirectly, है या नहीं है? क्योंकि right, total number of molecules का ही तो estimate है indirectly अगर देखोगे तो, है ना? तो total number of molecules थोड़ी ना change होगा, अगर आप temperature बढ़ाते हो घटाते हो तो total number of molecules change नहीं होगी, और इसीलिए ये fraction का सभी का sum जब आप calculate करेंगे तो क्या आएगा, same ही आ जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? जैसे चलो ठीक है, अभी आपको समझ पाएगी तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। सो एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड रीजन जस्टिफाई कर देते हैं, सिंस
this area is an estimate of the total number of molecules. This area A is independent temperature, since this area is an estimate of the total number of molecules in container. बस इतना काफी है. Okay. अब इस कर्व के हेल्प से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं. आप देखोगे तो इस कर्व का एक मैक्सिमा है, यहाँ पे एक मैक्सिमा आ रही है इसकी, यहाँ पे फंक्शन का वो जो फंक्शन है fv, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. ठीक है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेलोसिटी जहां पे फंक्शन मैक्सिमम हो रही है. सर, इज मैक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गिवन रेंज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये वेलोसिटी से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गिवन रेंज एट दैट वेलोसिटी. मुझे कोरस में सब आवाज सुनाई दिया, एक एक करके प्लीज बोलिए. अच्छा, एक एक करके बात करते हैं. अरत्रिका का आवाज पहले मुझे सुनाई दे रहा था, तो अब बोलिए अरत्रिका. सर, वो कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वही इसका मैक्सिमा होगा, मतलब. परफेक्ट, ठीक है ठीक है, ये परफेक्ट है. ये बेसिकली ये वो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली वेलोसिटी होगी. और इसके लिए एक छोटा सा नाम दिया गया जिसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आपने ये पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, आई गेस पढ़ा है आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. अब आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहने का मतलब क्या है, राइट? समझ आ रही है मतलब अभी? बेसिकली वो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है विच इज पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. समझ आ रही है? सो दिस वेलोसिटी विल बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको वी एमपीएस लिख देते हैं. बोलिए बेटा, बोलिए. नहीं सर, वो आपका राइटिंग नहीं आ रहा था, मैंने सोचा स्क्रीन फ्रीज हो गया. सॉरी, मेरे कुछ लिख ही नहीं रहा था ना बेटा, लिखूंगा तभी तो आएगा. सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मैं जस्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, वी एम पी एस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इट इज द स्पीड, it is the speed, it is that speed which is possessed by maximum number of molecules, maximum number of molecules in container. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? किसी भी चीज का मैक्सिमा आपको पता है तो मैक्सिमा डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे तो मिल जाएगा ना. तो अगर आपको वी एमपीएस कैलकुलेट करना है, एट वी इक्वल टू वी एमपीएस, आपको पता है कि फंक्शन जो है एफ वी, इसकी वैल्यू मैक्सिमा रही है, पता है आपको. और अगर फंक्शन मैक्सिमा है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो एंड देन इक्वल टू जीरो कर दो, है या नहीं? यही करना है ना, राइट? हाँ सर. फंक्शन है आपके पास, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करोगे तो वैल्यू आ जाएगी. आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, इससे आ जाता है जो रिजल्ट आता है वो, इसको याद रखना है हमें. रिजल्ट एंड रिजल्ट जो है ऑन सॉल्विंग वी गेट, बस ये लिख रहे हैं ऑन सॉल्विंग वी गेट, क्योंकि फंक्शन ही हमको याद नहीं रखना, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एंड रिजल्ट याद रखेंगे. आपको पता है कितनी आती है ये? या बिकॉज तीन था, मुझे तीन याद है, TRT by M, root under 2RT by M होगी. ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हैं root under 2P by rho, right? है ना, RT by M can be written as P by rho, है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो अगर प्रेशर डबल किया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना गुना हो जाएगा? सर वो डिपेंड करेगा कि टेंपरेचर क्या है. डिपेंड करेगा, टेंपरेचर डिपेंड करेगा सर, मे और मे नॉट. Good. May or may not. May or may not.
थैंक गॉड आपने याद रखा है. मैंने सर क्लास के अकॉर्डिंग में देखा, आपने वो बोल रहे थे. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में आपको कैलकुलेशन हो गया. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ कैलकुलेट करते हैं. एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इस फंक्शन के हेल्प से कैलकुलेट करना है. इस फंक्शन के हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सोचते हैं. इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोरिलेट करवाता हूँ, उसके बाद फिर आप समझोगे. जैसे इमेजिन करो कि मुझे आपके क्लास का एज निकालना है, एवरेज एज निकालना है. ठीक है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एवरेज एज फॉर योर क्लास. एंड सपोजली मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ कि लेट अस से जैसे हमारा अभी 54 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ कुछ एज ग्रुप में आपको दे देता हूँ. तो लेट से 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज है सपोजली 17. ठीक है, फिर से 15 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एज है से 18. एंड 15 हो गया, 20 हो गया, कितना 35 हो गया, और 19 बच रहा है. सो 19 स्टूडेंट्स हैं मान लेते हैं, इनकी एज है से 16 मान लेते हैं. ठीक है, एंड अब मैंने पूछा आपको एवरेज एज कितनी होगी, आप बता सकते हैं क्या करेंगे आप? तो 17 प्लस 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 18 प्लस 16 डिवाइडेड सर नहीं नहीं 20 इनटू 17 प्लस 54 मीन निकालना. मैं जल्दी जल्दी कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा. 20 इनटू 17 प्लस 15 इनटू 18 प्लस 19 इनटू 16 एंड डिवाइड बाय 54 ये करेंगे डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 ये करेंगे. हाँ सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 बाई 54 इंटू 17 प्लस 15 बाई 54 इंटू 18 प्लस 19 बाई 54 इंटू 16 कैसा भी लिखा जा सकता है. यस सर. अब देखो ये एवरेज कैलकुलेट करने का आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूँ. आपको वेटेड मीन लेने से अलग तरीका डिफरेंट क्या है, देखो ये जो क्वांटिटी क्या इंडिकेट कर रहा है, 20 बाई 54 क्या है, it is the fraction of the number of students whose age is 17. dikh raha hai aapko? yes sir. yes sir. 15 by 54 is the average fraction of the number of students whose age is 18. 19 by 54 is the average fraction of the number of students whose age is 16. to iska matlab agar aapko fraction pata hai ki kis age mein kitna fraction hai, to fraction se aap us age ko multiply karke finally sum kar de rahe ho, right? hai na? yes ha sir. right, yahi kar rahe hai na aap? हाँ सर. अब ये सोच के देखो, आपको मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आपको फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड इज इन द रेंज v टू v प्लस dv पता है? यस सर. हाँ सर. v टू v प्लस dv इज ऑलमोस्ट सेम एज v, राइट? है ना, v टू v प्लस dv इज ऑलमोस्ट सेम एज v. जैसे मैंने क्या बोला, 200 मीटर पर सेकंड से 200.0001 मीटर पर सेकंड, तो इस रेंज में अगर हम सोचे तो ऑलमोस्ट तो 200 मीटर पर सेकंड ही है ना, राइट? समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. तो अब अगर मैं पूछूं कि आपको एवरेज एज कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, dn by n is that fraction and this fraction is possessing the speed v, right? है ना, this fraction is possessing the speed v. yes sir. right, अब इसी को आपको सम करना है, राइट? इसी का सम करना है ना. yes sir. फ्रैक्शन से हमने वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया एंड अब हमको इसका सम करना है. सम कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करके तो करते हैं. इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट करके. दैट्स इट, सिंपल सा काम है. तो dn / n वाज fvdv. dn / n क्या था हमारा, fvdv था. fvdv से v को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. ठीक है, सो अब इसको हटा देते हैं. अब तो इसका कोई काम नहीं है, है ना? इसका कोई काम है क्या? रहने दो, ये हटा दो, हटा देते हैं. रहने दीजिए सर, रहने दीजिए ना. अगली बार क्या हो सकता है कि अचानक से कहां से खा गया बात. अच्छा ठीक है, याद नहीं आया. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे दुख को समझ गया. ठीक है, सो वी एवरेज लिख रहे हैं. ठीक है, सो वी एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dn / n * v, और ये आपका 0 से लेके, अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर लिमिट डालेंगे. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dn / n वाज fvdv. So, fv into v and फिर dv आ जाएगा and 0 से लेके infinity तक ये हो जाएगा. And on solving we get अब आपको जो velocity की value मिलेगी, v average, that will be root under, वो पता है कितनी आती है? 880 by pi m. Good, 880 by pi m, ये सही result है. So, this can also be written as 8p by
पायरो ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखेगा। देखो मैं आपको एंड रिजल्ट बता के भी छोड़ सकता हूँ, मतलब ये आपको कैसे आ रहा है ये नहीं भी बता के कर रहूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लोग जेई के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जेई एडवांस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये डेरिवेशन का तरीका वो ध्यान रखना है। क्योंकि देखो ये पक्का है कि आपको मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो एक्चुअल फंक्शन है उससे रिलेट करके तो क्वेश्चन नहीं दे सकते, बट मैं आपको सपोज एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दूं जिसमें मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिंपल वैल्यू दे दूं, जैसे मैं बोलूं कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेरीज एज यू नो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यू नो ऐसा आपको एक दे दूं, तो अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना इन सारी चीजों को। आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मॉडिफाई करके वो दे सकते हैं, मैंने बता दिया कि ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है या यू नो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी है, सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अब कैलकुलेट करना होगा तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट करके, मतलब ये तरीका अगर याद रहेगा तभी तो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर तरीका याद नहीं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पर्टिकुलरली मतलब डेरिवेशन का तरीका पर्टिकुलरली उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो केवीपीवाई या यू नो जेई एडवांस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, बाकी अगर आप सिर्फ नीट एंड जेई मेंस तक फोकस रखना चाहते हो तो आराम से डेरिवेशन वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक और स्पीड बच गई है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना। हां सर, आपने काली किया था ना रूट ऑफ स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डेफिनेशन अगर याद करोगे तो समझ आ जाएगा। इसको क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यही करते हैं ना। देखो समझ आ रहा है, मैंने जो लिटरेचर को कैसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया है, समझ आ रहा है? हाँ सर। स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी यही करना है आपको। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया ना, किसी चीज का कैसे एवरेज निकालते हैं, ये स्टूडेंट के एग्जांपल से भी सिखाया, फिर स्पीड में भी आपने यूज किया। अब आप ये सोच के बताओ मुझे कि आप एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? सर वो इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेट करके, सो इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे आप, आप उसका स्क्वायर किया आपने तो ये आराम से आप dn by n to v square करके आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मतलब आपको बेसिकली एवरेज मिल जाएगी स्क्वायर की, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dn by n becomes fv dv, so fv into v square into dv, और ये जीरो से लेके इनफिनिटी तक, इसी को फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी मिल जाएगी, विच इज रूट अंडर 3RT / n। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस सर। 3 पाई / रो, 3 पाई / रो नहीं, 3 पी / रो, उफ सर क्या बोल रहा था लड़का। ठीक है, सबको समझ आ गई है? तो 3p / रो लिखा, 3p / रो मुंह से निकला। ठीक है, ओके। देखो मतलब मेरे जैसे लड़कों के लिए तो ये सब चीजें थोड़े से डिफिकल्ट है याद रखना, याद रखना मतलब कि एंड रिजल्ट जैसे सिमिलर है, एक है 2, एक है 8π और एक है रूट 3। ठीक है, तो अब ये तो याद रह जाएगा कि आपको किसी के लिए 2 था, किसी के लिए रूट अंडर 8π था, किसी के लिए 3 था, बट किसके लिए कौन सा था ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने तो एक ट्रिक याद रखा हुआ है, मतलब जिस ट्रिक से मैं याद रखता हूँ मैं आपको वो शेयर कर लेता हूँ, इससे होपफुली आपको याद रह जाएगा। जैसे कीवर्ड याद रखेगा राम, एक कीवर्ड याद रखेगा, ठीक है, राम एक कीवर्ड याद रखना है आपको, ये राम का R इज फॉर RMS, A इज फॉर एवरेज एंड M इज फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, दैट्स इट। सबसे पहले R है मतलब सबसे बड़ा R होगा, RMS होगा, फिर एवरेज होगा, फिर MPS होगा। ठीक है, मतलब ये रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे तो अब आप लिख सकते हो सबसे बड़ा कौन है, ये तो समझ में आता है ना, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है या रूट अंडर 8π बड़ा है, ये तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, या इसमें भी कंफ्यूजन सर 3 बड़ा है या 2 बड़ा है ये नहीं पता चल रहा है सर, हाँ ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है ना। नाइस, रूट अंडर 3 इज टू रूट अंडर 8π एंड इज टू रूट अंडर 2, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ सर। I hope everybody has followed the derivation and the end result also, right? ठीक है, याद रहेगा सभी को? Yes, sir.
आप टेम्परेचर का वेरिएशन से आपको ऑलरेडी मतलब टेम्परेचर वेरी करके आरएमएस का रेशियो या फिर आरएमएस की वैल्यूज वो सारे एरर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट डे भी आपको बताया था कि टेम्परेचर में छोटे अमाउंट का चेंज किया तो वी प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल टी है, तो डेल्टा वी बाई वी विल बी हाफ ऑफ डेल्टा टी बाई टी, वो कर सकते हैं। एंड बड़े चेंजेस होंगे तो उसके इसमें रेशियो लेके कैलकुलेट करेंगे। ये आपको याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? याद है ना सबको? याद है सर। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है पहले वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर हम डेरिवेशन पे जाएंगे। जैसे आप अगर एक कंटेनर कंसिडर करते हो तो उस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर को वीडियो ऑफ कर सकता हूं, मेरा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, करिए। So, अगर आप एक कंटेनर कंसिडर करते हो और उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स आपने भर रखे हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ तो टकराते ही हैं, बट ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकराते हैं, ओकेजनली टकराते हैं बट टकराते हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या इंडिकेट करता है, जैसे आप नाम से ही आप कैचअप कर सकते हो। मीन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, एवरेज ले रहे हैं आप, राइट? एवरेज। फ्री पाथ मतलब, फ्री मतलब क्या होता है, किसी से टकराए नहीं, किसी से टकराएगा नहीं तो वो फ्री रहेगा, राइट, है ना? क्योंकि वैसे भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो होता नहीं है अंटिल अनलेस दे कोलाइड विद ईच अदर, राइट, है ना? सो इसका मतलब है कि जब तक मॉलिक्यूल बिना किसी से कोलाइड किए हुए चल रहा है तब तक वो कितना डिस्टेंस ऑन एन एवरेज चलता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑन एन एवरेज। समझ आई आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो ऑन एन एवरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले कोलिजन का जितना टाइम होगा दूसरे कोलिजन का जो टाइम होगा ये तो फिक्स वैल्यूज नहीं है, दीज आर नॉट फिक्स वैल्यूज, दे कीप ऑन चेंजिंग, राइट? क्योंकि एक भीड़ में आप ऐसे इमेजिन करो, एक भीड़ है और उस भीड़ में आप एक के साथ कितने देर में टकराते हैं, फिर दूसरे के साथ कितने देर में टकराते हैं, तीसरे के साथ कितने देर में टकराते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम थोड़ी ना होगा। आप एक भीड़ में है तो आप ये पक्का होगा कि आप कभी ना कभी टकराते रहेंगे, यू विल कीप ऑन यू नो कोलाइडिंग विद ईच अदर, मतलब कभी ना कभी यू नो आप एक भीड़ में जाएंगे तो फिर वो होगा। आप भीड़ में अगर पार्कशीट में जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि हमारे गाय हाथ दिच्छे स्टैनो, तो वो नहीं होगा। गाय क्या, तुम्हारे पूरे बदन पे ही हाथ देके सब ऐसे ऐसे करके जाएंगे, यू नो एक दूसरे को रब करके ही जाएंगे वहां से, और कैसे जाएंगे जब जगह ही नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे। तो उस केस में आप तो बहुत सारे कोलिजन कर रहे होंगे। सो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है कि यू नो मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। वो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एवरेज ऑफ यू नो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है आपको, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने वो कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमको मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड पता है ना, पता है हमको एवरेज स्पीड कितनी होती है? Yes, sir. Root under 8 RT/πm? Yes, sir. तो इस एवरेज स्पीड से अगर मैं मीन फ्री टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं, मीन फ्री टाइम मतलब वो टाइम जितने देर तक ये बिना किसी से कोलाइड किए हुए चल रहा है, तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं मिल जाएगा मीन फ्री पाथ का। समझ आ रही है आपको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ऑर नॉट? यस सर। हां सर। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव अब यही है कि मैं ये कैलकुलेट कर पाऊं कि ये ऑन एन एवरेज मतलब मीन फ्री टाइम रादर इसका कितना है। मीन फ्री टाइम मतलब कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम इंटरवल उसकी कितनी है, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। मैं यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्फेरिकल शेप का कंसिडर करके चल रहे हैं। स्फीयर्स है, स्फीयर्स की रेडियस बहुत ही छोटी होगी, ये एक अलग बात है, बट उसको स्फीयर्स की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जैजरेटेड सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा जहां पे मैंने बहुत बड़ा सा स्फीयर दिखा रखा है बॉल की तरह, बट ये इतना बड़ा स्फीयर नहीं है, मतलब ये स्केल में आप सोचो कि कई गुना ज्यादा मैग्निफाइड है, मे बी यू नो 10 to the power मतलब ट्रिलियंस यू नो टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन इसका करके आपको दिखा रखा है। तो फिर इस केस में क्या दिखाया मैंने वो आपको बताते हैं। एक है सेंटर में जो मॉलिक्यूल दिखा रखा है उसकी वेलोसिटी देखो मैंने वी बार मार्क कर रखी है। वी बार इज बेसिकली एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल वी बार है। तो ये मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो इस लाइन के लॉन्ग है, इस लाइन के लॉन्ग देखो, इस लाइन के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी है, तो वो इस लाइन पे चलता रहेगा तब तक जब किसी से टकराएगा नहीं। अगर किसी से नहीं टकराएगा तो आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर बट अगर ये सोचो कि अगर मैं बोलूं कि ये टकराएगा कब किसी से, किससे टकराएगा, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से टकराएगा, बट कब टकराएगा, जब किसी का भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल का जो पेरिफेरी है वो इसके लाइन ऑफ मोशन के बीच में आ जाएगा। देखो इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है। देखो ये, देखो ये इस सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल का पेरिफेरी इस सिलेंडर के अंदर आ गया, कोई भी मॉलिक्यूल का पेरिफेरी अगर इस सिलेंडर के अंदर आ गया तो पक्का है ना वो जाते वक्त उसे टकरा जाएगा।
अगर जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, मैंने ये नेबर एक मॉलिक्यूल लिया और इसको इमेजिन करो थोड़ा अंदर कर दिया है, तो ये जब सोचो कि इधर से गुजर रहा होगा, ऐसे गुजर रहा होगा सोचो, तो पक्का है जाते वक्त टकराएगा नहीं टकराएगा? Did you understand? But अगर मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ऊपर रखो तो क्या ये जाते वक्त क्या उसको टकराएगा? नो सर. नहीं, समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब दिस सेंट्रल मॉलिक्यूल जो हमने मार्क किया है, इट विल कोलाइड विथ एनी अदर मॉलिक्यूल विच लाइज विद इन इट्स सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, विद इन इट्स सिलिंड्रिकल वॉल्यूम विच इट इज इनकम्पासिंग इन इट्स पाथ. ठीक है, बट इसको बोलने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे मैं बोलूं कि इसका ये जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसका पेरिफेरी इसके सिलेंडर के अंदर आ जाए. इसको बोलने का एक दूसरा तरीका ये भी होगा कि अगर नेबरिंग मॉलिक्यूल का सेंटर अगर यहां से 2R रेडियस के अंदर आ जाए. देखो ये भी कह सकते हैं क्या, क्योंकि सारे नेबरिंग मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल का रेडियस तो एक ही है, इसकी रेडियस अगर R है तो इसकी रेडियस भी तो R ही है ना, है ही नहीं है? Yes, sir. तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, व्हाट विल दिस लेंथ बी? 2R. अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका पेरिफेरी इसके अंदर आएगा तो टकराएगा, तो इनडायरेक्टली तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसका सेंटर अगर इसके अंदर आएगा तो टकराएगा. अगर किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर अगर 2R रेडियस के सिलेंडर के अंदर आया तो फिर वो टकरा जाएगा उससे. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ठीक है, तो मैं t इक्वल टू जीरो पे देखू, वहां पे एक मॉलिक्यूल को दिखा रखा है, सेंट्रल मॉलिक्यूल को, तो वहां पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस सेक्शन मार्क करता हूँ. जैसे t equal to 0 पे मैंने मार्किंग कर रखी है उसकी, और t equal to dt पे एक मार्किंग कर रखी है. दिस इज t equal to dt. तो dt टाइम में ये मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस आगे बढ़ चुका होगा, कितना वो बढ़ चुका होगा, v बार into dt बढ़ेगा ना? यस सर. तो जो उसने वॉल्यूम इनकम्पास किया है उसके बीच में, वो देखो ये वाला वॉल्यूम है, आपको दिख रहा है? दिस इज द वॉल्यूम दैट इट हैज कवर्ड. यस सर. डू यू रियलाइज Everybody, आपको समझ आ रही है? सर. ठीक है, yes, sir. I hope आपको 3D फील आ रही है ना, ये चीज थोड़ी समझ तो आ रही है कि हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सर. तो अब मैं कह रहा हूं कि जितने भी मॉलिक्यूल की सेंटर, ये जो शेडेड सिलेंडर है उसके अंदर अगर आ गई, जितने भी मॉलिक्यूल की सेंटर इस शेडेड सिलेंडर के अंदर आ गई, जाते वक्त ये पक्का है उससे टकरा जाएगा, राइट? ठीक है, अब इसमें मुझे क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, कितने कोलिजन हुए ये कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए? मुझे ये चाहिए कि इस कंटेनर में मॉलिक्यूलर डेंसिटी कितनी है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाइड है. क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाए कितना मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, तो इस सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे ये भी पता चल जाएगा, राइट? अगर मुझे मॉलिक्यूलर डेंसिटी कंटेनर में पता चल जाए तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर होंगे जो सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया है. और अगर वो पता चल गया तो मुझे इतना तो ये पक्का पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल उस कंटेनर के अंदर होंगे सबके साथ टकरा रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट द सेंट्रल मॉलिक्यूल अंडरवेंट ये भी पता चल जाएगा, राइट? नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम डीटी ये पता चल गया ना, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम डीटी ये पता चल गया. तो क्या हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पता चल गई? डीएन इज द नंबर ऑफ कोलिजन इन द टाइम इंटरवल ऑफ डीटी, तो डीएन बाई डीटी विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, होगा ही नहीं होगा? और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का इनवर्स ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर. और मेरा ऑब्जेक्टिव भी तो यही था ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन निकालना. यस सर. समझ रहे हो सर? कुछ हुआ तो पाथ तो चेंज होगा ना. अब उसका आप सही सोच रहे हैं कि अगर ये किसी से टकराएगा तो पाथ भी चेंज होगा, उसका कंसिडरेशन मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ, ठीक है? इसी डेरिवेशन के थ्रू ही करूंगा. एक चीज स्टैटिस्टिकली देखी गई है, स्टैटिस्टिकली क्या देखी गई है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक रूम में यू नो 10-12 लोगों को छोड़ देते हैं, ठीक है, 10-12 लोगों को छोड़ दिया, एंड सभी इंसान को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं. ब्लाइंड फोल्ड मतलब आंखों में पट्टी बांध दिया, सबको, सबके आंखों में पट्टी बांध के छोड़ दिया है,
एंड सबको ये एक यू नो गन पॉइंट पे बेसिकली सोचो, उनको सबको बोल दिया गया है कि आपको भागते रहना इस कंटेनर के अंदर, आप रुक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप, ठीक है, मतलब जैसे ही रुकोगे आपको गोली मार दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, भागना शुरू करोगे ना, राइट, किसी से टकराओगे तो भागोगे, किसी से टकराओगे तो भी भागोगे, तो आप गन पॉइंट पे भगाया जा रहा है, तो आप जब सबको ही भाग रहे हो तब मैंने एक नंबर ऑफ कोलिजन जो आप एक पर यूनिट टाइम में कर रहे हो, ये मैंने नोटिस किया कि आप कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है आपका, कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है दूसरों के साथ। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया, फिर से रिपीट किया, बट इस बार हमने क्या किया, जो सब लोग हैं 10 लोग थे उसमें से 10 लोगों में से मान लेते हैं 9 लोग को मैंने ये वार्निंग दे दिया कि तुम लोगों में से कोई भी हिलेगा नहीं, सब अपने जगह पे फिक्स रहेगा, और सिर्फ एक को बोला कि अब तुम भागना शुरू करो, और ब्लाइंड फोल्ड है, सभी कोई ब्लाइंड फोल्ड है, तो इस बार नंबर ऑफ कोलिजन थोड़ी घट जाएगी ना, राइट सर, जब हम सबका कोलिजन चांस कम हो जाएगा इस बार, जब सब कोई मूव कर रहे हैं और सिर्फ एक कोई मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन आपका डिक्रीज कर जाएगा अगर सिर्फ एक को आप मूव कराते हैं। तो मैंने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ये मैंने कंसीडर किया कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी लोग तो मूव नहीं कर रहे हैं, मैंने ये कंसीडर किया ना, राइट, अगर बाकी लोग भी मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पक्का है बढ़ेगा, और स्टैटिस्टिकली ये देखा गया कि अगर आप सबको मूव कराना शुरू करते हो तो जो नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो रूट टू के फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो है ये डेरिवेशन को नॉर्मली प्रोसीड करेंगे ये मान के कि सिर्फ सेंट्रल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी लोग मूव नहीं कर रहे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें बस एक रूट टू का फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये जस्टिफाई करने के लिए कि बाकी सारे जो मूव कर रहे हैं उसकी मूवमेंट की वजह से हमें रूट टू का फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस हैज स्टैटिस्टिकली बीन प्रूवन, अदरवाइज यू कैन नॉट बी प्रूव इट, समझ आ रही है, ठीक है, स्टैटिस्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट करके आपने देखा, एंड देन फिर यू नो ये चीज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस करके आपने स्टैटिस्टिक पे बेस करके रिजल्ट बनाया है, ठीक है, समझ आइए सभी को, तो यहाँ पे देखो मैंने जो डेटा आपको दे रखे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैंने इस मेन फ्री पाथ को कैलकुलेट करने के लिए क्या डेटा आपको अवेलेबल है वो बता दे रहे हैं, रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल पता है हमें, रेडियस मतलब स्फेरिकल को हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है, एंड मॉलिक्यूलर डेंसिटी हमको पता होगी, एन वी लिखी है, एन के सबस्क्रिप्ट में वी लिखी है जस्ट टू इंडिकेट की मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसीलिए एन वी लिखा है हमने। अब ये डेरिवेशन कैसे करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इतनी जितनी बातें मैंने बोली है उस बात को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं इसको बस वहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है, और सर आपका स्टार्टिंग सिग्मा दिखा सकते हैं कितना छोड़ना है, एक पेज ना, ओके, देखो जा, देखो मैं एक बार जस्ट इसको आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो चीज मैंने आपको समझाया था बस वही चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। In a short interval of time dt, we consider an elemental cylindrical volume dv. dv वही shaded वाला region है, ठीक है? Radius 2r whose axis coincides with the direction of motion of the central molecule. Any neighboring molecule whose center lies within this cylinder, it will necessarily undergo collision with the central molecule. The total number of molecules within this cylindrical volume actually represents the number of collisions encountered in time dt2. I hope आपको समझ आ गई है, ठीक है? ये जो बोला मैंने exactly वही लिखी हुई है. Now let this number be dn. अब dn हमको find करना है. dn मतलब कि कितने number of molecules उसके अंदर contained है. और जितने number of molecules होंगे वही आपका frequency of collision भी होगा. ठीक है, मतलब ये नंबर ऑफ कोलिजन भी होगा, यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन दिस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कोलिजन्स एनकाउंटर्ड इन टाइम डीटी आल्सो। ठीक है, अब मैं इसके जस्ट रिजल्ट को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ, सो देयरफॉर दिस डीएन की वैल्यू कितनी आएगी, सो डीएन विल बी मॉलिक्यूलर डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम डीवी, सही लिखा मैंने, मॉलिक्यूलर डेंसिटी से अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर डेंसिटी हमारा NV है और DV हमारा कितना था, देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना लिखोगे आप, जो सिलेंडर मैंने शो कर रखा उसका वॉल्यूम कितना लिखोगे आप, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई इनटू 4r स्क्वायर इनटू h, पाई इनटू 4r स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर क्या है, एंड इनटू VDT, राइट, है ना, पाई r स्क्वायर h ही तो करना है, है ना, राइट, पाई आर स्क्वायर एच बस करेंगे आप, तो यहाँ पे वही चीज आपको करनी है, सो वही कर रहे हैं, देखो आप यहाँ पे, सो हम यहाँ पे कर रहे हैं पाई इंटू टू आर, इसका स्क्वायर कर लिया एंड फिर एच से मल्टीप्लाई करेंगे, एच यहाँ पे कितनी है, वी बाय डी टी है, बस यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर है, क्लियर है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, दिस इज फोर पाई आर स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर डेंसिटी इंटू वी बार इंटू डी टी, सो डीएन इज द नंबर ऑफ कोलिजन इनकाउंटेड इन टाइम डी टी, तो इसका मतलब क्या है, dn by dt क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ही तो होगा ना, राइट, तो देखो
फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन निकालनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू डी एन बाई डी टी लिख रहे हैं, एंड डी एन बाई डी टी विल बी 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू मॉलिकुलर डेंसिटी इंटू वी बार हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का मैंने आपको बताया, दिस फ्रीक्वेंसी वॉज कैलकुलेटेड अज्यूमिंग दैट दी सेंट्रल मॉलिक्यूल वॉज ओनली मूविंग एंड अदर्स वॉज स्टेशनरी, बट सिंस अदर्स आर ऑल्सो मूविंग हमें क्या करना है यहाँ पे फाइनली रूट टू का फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो मैं वही चीज को मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ओनली इफ द सेंट्रल मॉलिक्यूल अलोन वॉज मूविंग while all others were stationary, but practically other molecules are also moving. Statistically it has been found that when the motion of the other molecules are also considered, the frequency of collision is found to b root 2 times the value obtained, value obtained above. Therefore actual frequency of collision agar nikalni hai, actual frequency of collision chahiye, isko ab hum f likh rahe hain, so f will be root 2 times of 4 pi r square and into molecular density, and इसके साथ हमें v bar को multiply कर लेना है. So frequency of collision मिल चुका है, मतलब mean free time भी आपको मिल जाएगा. So mean free time or the time interval between two successive collision. Time interval क्या हो गया? इसे repeat कर. Mean free time or the time interval between two successive collision. क्या उसे repeat करूँ? मजा आ रहा है क्या सुनके? ऐसा कोई सुरीला बात तो बोल भी नहीं रहा हूँ मैं. आपका नेटवर्क जाम हो गया था इसलिए सर. मैं तो डिक्टेशन लिख तो दे, लिख तो जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो तो लिख भी रहा हूँ, तो लिख देख देख लो वहां पे क्या लिख रहा हूँ. अरे इसमें क्या कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ. ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे मैंने ऐसा एक शेप बनाया, मैंने पूछा तुमसे ये शेप क्या है बताओ, क्या शेप है ये? स्क्वायर रेक्टेंगल. स्क्वायर स्क्वायर तो इंट्यूशन पे बोल रहे हो ना, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल. ये थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं आप. ये अब स्क्वायर बोल रहे हैं कि इंट्यूशन बेस पे बोल रहे हैं? आपने सच में थोड़ी ना मेजरमेंट करके देखा कि सारे लेंथ सेम है कि नहीं? नहीं, तो इंट्यूशन बेस काम करते हैं ना हम, तो वैसे ही करो आप. अरे आपको कभी कभी आवाज कट जा रही है, तो वहां पे आपको क्लास इंटरप्ट करने से क्या मतलब बनता है? आप देख रहे हो मैं लिख भी रहा हूँ उस चीज को, तो बस वहां पे लिख लो आप भी देख के. Mean free time or the time interval between two successive collision is mean free time का मतलब याद रखिएगा, ठीक है? Mean free time का मतलब है time interval between two successive collision is इसको tau से indicate करेंगे, so tau will be 1 by f and that will be 1 by 4 root 2 into pi r square into molecular density and into velocity. Basically ये average speed है. एंड देयरफॉर अब हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं आराम से. सो मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इसको लैम्डा से इंडिकेट कर रहे हैं, सो लैम्डा विल बी एवरेज स्पीड इनटू द मीन फ्री टाइम. और एवरेज स्पीड से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो स्पीड वाला जो टर्म था वो कट ही गया, दिख रही है आपको? Yes, यार ये 1 बाय 4 रूट 2 इनटू pi r square into molecular density. Okay. This is the end result which you are supposed to remember.
आपको ये एंड रिजल्ट याद रखनी है। डेरिवेशन आप भूल जाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एंड रिजल्ट को याद रखनी है, एंड रिजल्ट याद रखनी है आप सभी को, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि मीन फ्री पाथ कितनी होती है, 1/4√2πr² इनटू मॉलिक्यूलर डेंसिटी, ठीक है। सब कुछ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। अब इसे बेस करके आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ चीजें जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, मतलब आप एनालिटिकली सोचोगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग सकती है, बट मैं आपको उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सोचना कि वो आज का आंसर क्या होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूँ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, सपोजली टेम्परेचर का वेरिएशन कर रहे हैं हम, मान लेते टेम्परेचर बढ़ा ही रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचेंगे फिर जवाब देंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे। मीन फ्री पाथ में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, एक कंटेनर हमने ले रखा है और उस कंटेनर में टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो हमारी मीन फ्री पाथ कैसे चेंज करेगी उसके बारे में पूछा गया, बताइए। अरे बताओ, क्या फिर से कट रही है क्या आवाज मेरी? नहीं सर, एक सेकंड, घटेगा सर, इट विल रिमेन कांस्टेंट, सर कांस्टेंट रहेगा, क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट जस्टिफाई करिए सर, सर अच्छा जस्टिफाई करिए, हां सर मैं बोल सकती हूं, बोलिए। सर वो जब टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं तो उसका जो मतलब वो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रहा है, तो उसका मतलब जो एक स्पीड है वो भी बढ़ रहा है, तो वो मतलब जो एवरेज टाइम है बिटवीन टू, ये जो मीन फ्री टाइम है वो डिक्रीज कर रहे, तो इसीलिए कांस्टेंट होगा। परफेक्ट है, परफेक्ट, आपने सही सही एक्सप्लेनेशन दिया। देखो एक चीज जो हमें अधूरा लगेगा, जैसे उन्होंने तो पूरा परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है, बट कंफ्यूजिंग क्या लगती है, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको ये तो पता चलता है कि स्पीड बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी तो तुमको ऐसे लगेगा जैसे स्पीड बढ़ गया, तो तुम सोचोगे मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर फास्टर मूव कर रहा है मॉलिक्यूल तो लैम्डा तो बढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि स्पीड से रिलेट करके आप निकाल रहे हैं। बट अधूरा ये हुआ कि आपने ये सोच लिया कि सिर्फ और सिर्फ लैम्डा जो है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है। लैम्डा तो सिर्फ स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मीन फ्री टाइम पे भी तो डिपेंडेंट है। अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगी तो मीन फ्री टाइम घटेगा, और मीन फ्री टाइम घटने से आपका क्या होगा, टाउ घटा और स्पीड बढ़ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा, कॉन्स्टेंट रह गया, कॉन्स्टेंट। और अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो उससे भी आपको समझ आएगा, एक्सप्रेशन देखो उससे भी समझ आ जाएगा आपको, लैम्डा की वैल्यू जो है किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ दो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, ओनली टू क्वांटिटीज, वन इज रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, क्या आपने वो चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हुई, नहीं नहीं। फिर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या मॉलिक्यूलर डेंसिटी चेंज की है, मतलब कितना मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। आप एक कंटेनर ले रहे हो और उस कंटेनर को आपने बंद कर रखा है, उसके बाद उसको हीट करते हो, तो अगर उस कंटेनर में पहले अगर मान लेते हैं कि 1 avogadro नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर आप हीट कर दोगे क्या तो avogadro नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएगा क्या उस कंटेनर में, नहीं नहीं, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुई है। हाँ अगर आप वॉल्यूम को चेंज होने देते, जैसे कंटेनर इज फ्री टू एक्सपैंड या यू नो कंप्रेस हो सकता है, तो उस केस में आप मॉलिक्यूलर डेंसिटी को चेंज करके आप क्या कर सकते थे, आप लैम्डा की वैल्यू को चेंज कर सकते थे। आ रही बात समझ में आप सभी को, हाँ सर, यस सर, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। मैं इसको जस्ट मेंशन कर देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट टू यू नो रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट। आप पहली चीज ये ध्यान रखना कि लैम्डा की वैल्यू सिर्फ दो चीजों पे डिपेंडेंट है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज डिपेंडेंट ओनली ऑन नंबर वन रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, एंड ये रेडियस के साथ आपका वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ साइज है, एंड दूसरी है आपकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, एंड इसमें लैम्डा की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/nV है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बोली वो ये
mean free path is independent of temperature. Mean free path. Mean free path is independent of temperature. Independent of temperature for a given amount of gas in a given container. आप देखो मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ गैस बोलने के बाद अपना इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बोलने के बाद स्टेटमेंट खत्म नहीं किया. उसके बाद जो कंडीशन से मुझे बोलना है वो भी इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कब? जब आप मॉलिकुलर डेंसिटी को फिक्स रखते हैं. मॉलिकुलर डेंसिटी को अगर आप चेंज करने दोगे तो फिर कैसे होगा? और मॉलिकुलर डेंसिटी को फिक्स रखने के लिए मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका अमाउंट ऑफ गैस फिक्स रहना चाहिए और कंटेनर भी आपका फिक्स रहना चाहिए. कंटेनर आप यू नो एक्सपैंड या कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. बहुत लोग क्या करते हैं इसको प्रेशर के टर्म से भी इसको रिलेट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. तो आप भी चाहे तो निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं ऐसे सोचूं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी हम यूज करते हैं. दिस इज पीवी इक्वल टू एनआरटी. नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एवोगाड्रोस नंबर के टर्म से लिखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू आरटी ऐसा लिखा जा सकता है. और इसी को हम एन इनटू के इनटू टी भी लिख सकते हैं. राइट, लिखते हैं ना ऐसा एन के टी. हाँ सर. राइट, पीवी इक्वल टू एनआरटी इज बेसिकली पीवी इक्वल टू एन के टी. एक एनआरटी में स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड एनकेटी में कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी जिसको हम कह रहे थे एनवी कह रहे थे ये एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है. तो एन बाई वी है. एन बाई वी अगर निकालोगे आपके पास तो ये आएगा पी बाई के टी. आ रही है क्या? देखो तो आ रही है. यस सर. इसका मतलब अब अगर लैम्डा की बात करें जो हम लोग मीन फ्री पाथ लिख रहे थे उसको हमने लिखा था 1/4√2 × π r² इंटू मॉलिकुलर डेंसिटी. एंड मॉलिकुलर डेंसिटी की जगह आप क्या हो जाएगा? पी बाई के इंटू टी हो जाएगा. समझ आ रही है? अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. बट अगर आप लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोलते हो तो क्या सही होगा? या आपको कुछ कंडीशन इम्पोज करना पड़ेगा इसमें? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. एक्जैक्टली, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रखा आपने तो क्या बोलेंगे? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी. टी बाई पी. Are you understanding? Lambda proportional to T by P बोल सकते हैं आप. Lambda proportional to 1 by P नहीं बोल सकते आप. आ रही बात समझ में आपको? ठीक है. So lambda इसको मैं mention कर देता हूँ क्योंकि गलतियां आप करते हैं सब चीजों पे. Lambda proportional to 1 by P ये आपका incorrect statement है. Lambda is proportional to T by P. This is a correct statement. ठीक है. Lambda proportional to 1 by P अगर आप कह रहे हैं तो this is for बताया था वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. मीन फ्री पाथ में इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस जो एवरेज स्पीड होगी वो भी इंक्रीज करेगी. एवरेज स्पीड इंक्रीज करने से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज करेगी. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करने से जो मीन फ्री टाइम है वो डिक्रीज करेगी. एंड देयरफॉर जो लैम्डा है वो आपकी वी बार और टी के प्रोडक्ट से टाउ से प्रोडक्ट से बन रहा है. तो दिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड दिस क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्ट आपका कॉन्स्टेंट आ जा रहा है. ठीक है, समझ आ गई सभी को? समझ आ गई है? यस सर. चलो अब इस पर एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं. मीन फ्री पाथ का एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखा रहे हैं. मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर इज लैम्डा इन 3D स्पेस. ठीक है, कंटेनर बोल रखा है तो ऑब्वियसली 3D स्पेस ही है. फाइंड इट्स मीन फ्री पाथ अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्स वाई प्लेन. कैसे निकालें इसको? हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? KTG के postulates important हैं. सर सर वो equiprobable है इसीलिए वो जाएगा. हाँ सर. Yes, very good. 1/3 हो जाएगा. तो 1/3. अच्छा, equiprobable होने से 1/3 कैसे हो गया रे गधे? Equiprobable होने से 1/3 कैसे हुआ? equiprobable नहीं मतलब velocity वो. Vectors क्या ऐसे add होते हैं? वो lambda by 1/√3 ऐसा कुछ आ रहा. 1/√3 है. Vectors क्या ऐसे add होते हैं? Scalar की तरह add कर देते हो क्या? तीन direction है इसमें, तीनों में, इसमें 1/3, इसमें 1/3, इसमें 1/3, इसलिए ऐड होके सर लैम्डा गया. हां
तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन लिया आपने, इसमें बोला वन थर्ड, इसमें बोला वन थर्ड और इसमें बोला वन थर्ड, और ये तीनों वन थर्ड मिलके वन हो गया। हाँ अभी वेक्टर नहीं समझ आ रहा है ना, अभी तक वेक्टर तो ऐड करना नहीं आता ना आपको। हाँ यही हाल है, बीबी सर के से पढ़ के आपने वेक्टर ऐड करना नहीं सीखा अभी तक। सब क्या बोलेंगे आपको, तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आपको, आपके टीचर को क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे कि हाँ ऐसे टीचर के पास पढ़ते जो वेक्टर एडिशन भी नहीं सिखा पाया तुम्हें। सो रीजन यही है, सिंस मोशन इज इक्विप्रोबेबल, मोशन इज इक्विप्रोबेबल इक्विप्रोबेबल इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस। आपको ये लास्ट डे मैंने यूज भी किया था, vx इक्वल टू vy इक्वल टू vz किया तो था, फिर कैसे नहीं किया आपने? हाँ, पार्टीशन वहाँ पे बोले थे उस समय। और v स्क्वायर की वैल्यू को मैंने लिखा था vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, और उसको 3vx स्क्वायर लिखा था, तो अपने आप ही यहां से करते तो भी सेम आ जाता। सो यहां से आप लिख सकते हैं कि लैम्डा x विल बी इक्वल टू लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा z, एंड जब आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो आएगा रूट अंडर लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा z का स्क्वायर, एंड तीनों ही तो सेम ही है, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर लैम्डा x का स्क्वायर, एंड देयरफॉर लैम्डा x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लैम्डा बाय रूट 3। That's it. ये first part का answer हो गया। अब second part का answer? Sir, वो root 2 से multiply. Root 2 से multiply जाएगा। अगर आप lambda in xy plane calculate करोगे, तो क्या लिखोगे आप? Root under क्या लिखोगे आप? Lambda x square plus lambda y square. Lambda x square plus lambda y square. And दोनों तो equal ही है। तो इस case में क्या लिखोगे? Root 2 times of lambda x. और lambda x आप निकाल चुके हो। So root 2 times of lambda by 3, root 3. ये answer हो गया। That's it. समझ आई सभी को? एवरीबॉडी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। इफ ऑल लीनियर डायमेंशंस आर डबल्ड हाउ वुड द मीन फ्री पाथ चेंज, अगर सारे लीनियर डायमेंशन को डबल कर देते हैं तो फिर मीन फ्री पाथ कैसे चेंज होगा आपको ये बताना है, बताइए। लेकिन गलत है सर। आप बोलिए, आप लॉजिक बताइए, गलत होने पे कोई गलती नहीं है सर। वो मीन फ्री पाथ तो मतलब वो तो डबल होगा क्योंकि वो तो खुद एक मतलब लीनियर डायमेंशन ही है, परफेक्ट है, उसमें गलती क्या? गलती तो कुछ भी नहीं है। तो इतना आसान क्वेश्चन आप थोड़े देंगे। नहीं, जनरली क्या करते हैं लोग, इसका आंसर जो है वो एक फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला यूज करके भी दिखाऊंगा, बट आपने जो बोला वो परफेक्ट है, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मीन फ्री पाथ जो है इट्सेल्फ इज अ लीनियर डायमेंशन, ये खुद ही तो लीनियर डायमेंशन है, और अगर खुद लीनियर डायमेंशन है तो इसका मतलब लैम्डा भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। सो लैम्डा 2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, हो गया आंसर। बट सपोजली इसको अगर हम उस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करें जो हमने निकाल रखा है, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला ऑल टुगेदर, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा लैम्डा का, लैम्डा इज 1/4√2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर डेंसिटी, मॉलिकुलर डेंसिटी इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4√2 इंटू पाई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलग किया एंड यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया है, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं? हाँ सर। मैंने इसको अलग क्यों किया, मैंने इसको अलग क्यों किया है, क्योंकि मुझे डायमेंशन से रिलेट करना है, तो नंबर में तो कोई डायमेंशन नहीं है इसमें, देखो ये वाला जो क्वांटिटी, ये वाला जो क्वांटिटी, इसमें तो कोई डायमेंशन नहीं दिख रहा है ना, जो भी डायमेंशन है वो किसका है, सॉरी इसका, राइट। तो अगर आप लीनियर डायमेंशन को डबल करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, 8 टाइम्स होगा, यस सर, राइट, एंड रेडियस का स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ओके, राइट। तो आपको क्या दिख रहा है, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, सो देयरफॉर लोग क्या करते हैं इसको इस फॉर्मूले को यूज करके करते हैं, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे v2 बाय v1 * दिस विल बी r1 बाय r2 एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बी 8 * 1/4 एंड दैट विल बी 2 टाइम्स, सो देयरफॉर लैम्डा 2 बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। बुक्स में सोल्यूशन देखोगे या किसी और से भी पूछोगे तो इस तरीके से करेंगे,
बट आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है. आप जस्ट इतना मेंशन करिए मीन फ्री पाथ इटसेल्फ इज अ लीनियर डायमेंशन, एंड आप अगर लीनियर डायमेंशन को डबल कर रहे हैं तो मीन फ्री पाथ खुद भी आपका डबल हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड रत्रिका, कीप इट अप. ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया? क्लियर हो गई सबको? हाँ सर. हाँ सर. अच्छा एक चीज सोच के बताइए मुझे, अगर कोई आपसे पूछे कि जैसे तीन स्पीड आपने पढ़ा मोस्ट प्रोबेबल, फिर आपने पढ़ा क्या एवरेज, आरएमएस, राइट, तीनों का सिग्निफिकेंस आपको याद रह गया? हाँ सर. सिग्निफिकेंस बताइए, कौन सा आप कब यूज करते हैं, कौन सा कब यूज करते हैं, what do you calculate with RMS velocity? What do you calculate with RMS velocity? Kinetic energy. Kinetic energy. Translational kinetic energy, right? हाँ. Half of total mass, half of total mass of gases multiplied with RMS velocity का square. That gives you the total kinetic energy of the gases. Remember? Yes, sir. हाँ sir. याद है आपको? हाँ sir. ठीक है. तो RMS velocity का काम क्या है? Kinetic energy को calculate करना. फिर आते हैं average speed पे. Average speed का काम क्या है? अभी ऑलरेडी इसका एक एप्लीकेशन किया हमने, ये तो इसी का एप्लीकेशन किया था. क्या करने के लिए कैलकुलेट किया हमने? डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए. डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस बाय यूनिट टाइम. डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए, मतलब अगर कभी भी मुझे मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है कि कितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रही है, तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट यूज करते हैं. आप उसमें आरएमएस स्पीड नहीं यूज करेंगे, आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आप डिस्टेंस ट्रैवल, आप स्पीड को डिफाइन ही कैसे करते हो? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम. तो इसका मतलब डिस्टेंस, जब भी आपको मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होगा तो आप एवरेज स्पीड ही यूज कर रहे होंगे. समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है. और तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कब यूज करते हैं? वो सैंपल ऑफ गैस में जो मोस्ट वेलोसिटी से जाता है, वो मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कभी इसको यूज नहीं करेंगे. सिंपल सा मतलब यही है. You don't use this speed to calculate any other physical quantity. You calculate this speed to calculate this speed only. समझ आ रही है? हाँ, okay. इसे average speed से आप कुछ calculate कर रहे हैं, RMS speed से आप कुछ calculate कर रहे हैं, but most probable speed से आप कुछ calculate नहीं कर रहे, कुछ नहीं calculate. समझ आ रही है? ये just वो indicate कर रहा है कि कौन सी स्पीड है जो maximum number of molecules के पास है. That's it. और उससे ज्यादा और कुछ calculate नहीं होता उससे. I hope सबको समझ आ रही है. ओके, जस्ट एक बार मुझे रिकलेक्ट करवा दीजिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस? कितनी थी रूट अंडर? 8RT/πm. गलत, वो एवरेज स्पीड थी, एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी. एवरेज वेलोसिटी प्रोबेबल है तो हाँ, वो तो वेक्टर से जीरो हो जाएगा. वो जीरो होगा. व्हेन यू टॉकिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी जीरो. यू नीड टू कैच दिस, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे क्या किया किसी ने, तुम्हें ट्रैप किया कि किसी ने बोला अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा गैस का, तो तुमने देखा कि 8RT/πm है, तो तुमने 8RT/πm देखा और सोचा कि टेम्परेचर बढ़ाने से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, खुशी खुशी मार्क करके आए हो. और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से निकले, चार लोगों से बात किया, वो भी खुश थे कि उन्होंने भी वही मार्क किया. बट जैसे ही आए घर, टीचर से डिस्कस किया, टीचर ने दुखी कर दिया तुम्हें. टीचर ने बोला अरे ये तो गलत हो गया, तो वेक्टर था, तो वेक्टर के साथ तो डायरेक्शन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तो डायरेक्शन ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो गई है. सो इसलिए वहां पे एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा. एंड सिंस इक्विप्रोबेबल है, तो उस केस में आपका नेट वेक्टर का एवरेज निकालोगे, मतलब एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर निकालोगे, वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज निकालोगे, तो आपको जीरो ही मिलेगा. ठीक है, मैंने लिखना भूल गया था वहां पे, मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूं. अच्छा, यहां स्पेस काफी सारा है. अच्छा ठीक है, वहां पे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ऐसे रैंडमली ध्यान नहीं देगा. एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के पास ही आप लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट सेम एज एवरेज स्पीड ऑफ गैसेस. एवरेज वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर. Velocity is vector and motion is equiprobable in all directions. That's it. ठीक है, तो इसलिए average speed लिख रहे हैं अगर आप,
ये v का एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज रूट अंडर 8RT by pi n. But average velocity अगर लिख रहे हैं तो ये आपका जीरो होगा, इसको ध्यान रखिएगा. Yes sir.